तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कर दीजिएगा। इंट्रिंसिक का पूछ रहा है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का पूछ रहा है एक्सट्रिंसिक, और अगर उसने कोई वर्ड नहीं यूज किया है तो मतलब दोनों का ही पूछ रहा है ना, जिस भी अकॉर्डिंग करें। व्हाट डू यू मीन बाय फर्मी लेवल्स? तो फर्मी लेवल में तो हम दोनों के ही दिखाएंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, और लेकिन उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है दोनों का, वो अलग अलग है। तो क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम करते हैं ऐसे। फर्मी लेवल जो है करेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल की, और फर्मी लेवल की जो दो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी उसके अलावा एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि फर्मी लेवल इज अ एनर्जी दैट कॉरस्पॉन्ड टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। जैसा कि हम सेमीकंडक्टर में जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। होल्स वैलेंस बैंड के अंदर और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है, कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे इनके वेट होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उसके अकॉर्डिंग फर्मी लेवल होगा। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिडिल में होती है। तो थ्योरेटिकली तो ये चीज हम बोल रहे हैं कि एफ इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाय टू, बट इसको हमें फिर मैथमेटिकली भी प्रूफ करना है। दूसरा क्या चीज है कि जो ये नंबर ऑफ होल्स हैं बैलेंस बैंड के अंदर, किस तरीके से इनकी कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, कि जो टॉप होता है बैलेंस बैंड का वहां ज्यादा होते हैं, और इस टॉप से जब नीचे की तरफ बॉटम की तरफ जाते हैं बैलेंस बैंड में, तो नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ऐसे ही कंडक्शन बैंड में बात करें, कंडक्शन बैंड का जो बॉटम होता है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दस द फर्मी लेवल लाई एग्जैक्टली बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एट एब्सोल्यूट जीरो, ऑल एनर्जी स्टेट अबव द फर्मी आर एम्प्टी एंड बिलो इट ऑक्यूपाइड। तो ये नहीं लिखिएगा, यहाँ से लिखेंगे और इसी को बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, फर्मी लेवल इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, ये लाइन लिखने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इन अ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर इक्वल, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड डिक्रीजेस फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप ते जाते हुए कंसंट्रेशन कम होती है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और जबकि वैलेंस बैंड में होल की कंसंट्रेशन टॉप से नीचे जाते हुए बॉटम पे जाते हुए कम होती है। Therefore, EF equal to EV plus EC by 2. Thus, the center of gravity of an electron in hole lies exactly at the middle of the forbidden gap. Thus, the center level is known as Fermi level. ठीक है? दो बार पर आ रहा है इसमें, इसको भी ठीक करें. Known as Fermi level. Therefore, in intrinsic semiconductor, Fermi level lie exactly at the center of the conduction and valence band. यही कह सकते हैं, conduction band और valence band के बीच में जो ये energy gap है, इसके just middle में Fermi level होता है। तो यहाँ से एक definition ये भी आ सकती है कि Fermi level is the energy that correspond to the center of gravity of conduction electron and hole weighted according to their energy. तो जो सामने ये डायग्राम है इसको बना लीजिएगा, क्या कर रखा है, ये ऊपर वाला पार्ट कंडक्शन बैंड है, ये वाला पार्ट वैलेंस बैंड है, ये इनके बीच में जो है फॉरबिडन बैंड है, मिडिल में जो लाइन ड्रॉ की है डॉटेड लाइन, ये फर्मी लेवल है इस दोनों के बीच के जस्ट मिडिल में, ये जो वैलेंस बैंड है इसके टॉप को हमने ईवी से दिखाया है, और जो कंडक्शन के जो लोअर है उसको हमने ईसी से दिखाया है, और इन दोनों के मिडिल को फर्मी लेवल से दिखाया है। ये होल की एनर्जी है, नीचे जाते हुए कम हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हुए कम हो रहे हैं। एन टाइप में क्या होता है, हम डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तभी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल्स से इन वैलेंस बैंड
तो क्या होगा, जो फर्मी लेवल है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाएंगे। ऐसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेप्टर टाइप की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे वैलेंस बैंड में इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाएंगे, यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जस्ट मिडिल में होती है इन फर्मी लेवल, और एन टाइप और पी टाइप में शिफ्ट हो जाती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की तरफ। डिपेंड करेगा कि हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं और कितनी ऐड कर रहे हैं, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतना ही फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाएगा। दस द फर्मी लेवल इज द एनर्जी दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो एक फर्मी लेवल की डेफिनेशन आ गई कि जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। एम टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, हम डोनर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखा देंगे इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड। इंट्रिंसिक में दोनों बराबर रखे थे, इंट्रेंसिक में फर्मी लेवल जस्ट मिडिल में होता है, तो बीच में मैंने मिडिल वाली पोजीशन दिखा रखी है कि फर्मी लेवल है इंट्रेंसिक का। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊपर की तरफ, जिस साइड वेट ज्यादा होगा उस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड शिफ्ट हो गई, तो फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड इन द केस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो कंडक्शन बैंड की तरफ जितनी इंप्योरिटी ऐड करते जाएंगे उतना ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा, यह फर्मी लेवल विद डोनर इम्प्योरिटी, ये डोनर इम्प्योरिटी के साथ है, और अगर इसी डायग्राम को पी टाइप के लिए बनाना हो तो ये जो फर्मी लेवल आपने यहाँ बना रखा है इसकी जगह ये यहाँ पर हो जाएगा, और वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज कर देंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देंगे। तो इसी लैंग्वेज में अगर मैं इसको पी टाइप की बनाऊं तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स हो जाएगी किधर, डाउन, है ना, डाउन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या कह लीजिए वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और ये डायग्राम है ही, तो पहले एन टाइप का कर लीजिए फिर पी टाइप का करते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड एज शोन इन फिगर, या कह सकते हैं डाउन शिफ्ट हो रही है। दस द फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट सेंटर में दिखा रखा है, और जब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की तो इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे दिखा दिया फर्मी लेवल, है ना। तो जब हमने डोनर की जगह एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स वैलेंस बैंड में ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गई, तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ही नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो फर्मी लेवल विद द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, शो दैट फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाई एट द हाफ बिटवीन टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ ये वाला, है ना। तो या दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, शो हाउ दिस एनर्जी डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई सा भी है उसका आंसर यही है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्मी ड्राग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से स्टार्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एनर्जी, ई एनर्जी के लिए कैसे लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल टू 1/1 ई टू पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, वेयर ई क्या है, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ई एफ फर्मी लेवल है, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में। विड्थ कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की अभी हम स्मॉल लेवल से दिखा रहे हैं, ईसी और ईवी से। तो जब हम वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं तो ईवी से लिख रहे हैं, जब हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं तो ई से लिख रहे हैं। कंपेयर टू किससे कंपेयर करके हम इसको स्मॉल मान रहे हैं, बैंड गैप के कंपैरिजन में। एज द विड्थ ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर स्मॉल, दे आर रिप्रेजेंट बाय सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी ईवी एंड ईसी रिस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, होल्स की प्रोबेबिलिटी वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कंडक्शन बैंड में, दोनों का फॉर्मूला एफ लिखेंगे,
तो जब हम होल्स की बात करेंगे, इसमें होल्स की बात कर रहे हैं, बैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, तो ये एफ ई वी हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कंडक्शन बैंड में होगा, तो एफ ई सी हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे तो ई जो है क्या करेगा, ई वी और ई सी से रिप्लेस हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि हम वैलेंस बैंड की बात करें कि कंडक्शन बैंड की बात करें। तो पहले इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कंडक्शन बैंड में, होल की प्रोबेबिलिटी वैलेंस बैंड में। तो होल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड का एनर्जी ई वी है, तो एफ ई वी इक्वल टू, बस एक्सप्रेशन में ई की जगह ई वी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ई सी, ई सी लेवल में बात कर रहे हैं, तो ई की जगह यहाँ पे ई सी आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई होल की, ये प्रोबेबिलिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ये प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में, ये प्रोबेबिलिटी है होल की वैलेंस बैंड में। तो वो ये एनर्जी लेवल से पता लग रहा है हम किस बैंड की बात कर रहे हैं। और एन क्या है, एन सी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, एन वी बैलेंस बैंड में होल, और कैपिटल एन दोनों का सम, टोटल चार्ज कैरियर। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, तो चार्ज कैरियर, अगर टोटल चार्ज कैरियर पूछा जाएगा कंडक्टिविटी में, तो क्या हो जाएगा, एन सी प्लस एन वी हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर उसको आगे करते हैं। तो क्या कह सकते हैं, एन इक्वल टू क्या है, एन सी प्लस एन वी है, या हम कह सकते हैं NC अपॉन N प्लस NV अपॉन N इक्वल टू 1, या टोटल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी एफ ई सी प्लस एफ ई वी इक्वल टू 1। तो जो एफ ई सी और एफ वी का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब पुट करेंगे तो अब इसको आपको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करते चलना है। LCM लेंगे, LCM लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इस टर्म को इधर ले जाएंगे, ये टर्म इधर ही रहने देंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को e टू पावर ev माइनस ef अपॉन kt से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली e टू पावर ec माइनस ef अपॉन kt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ec माइनस ef अपॉन kt को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों, एक राइट हैंड साइड में टर्म है आपकी, एक लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, ec ef ev इनका एक रिलेशन आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। तो इतना लिखिए, क्या किया, टोटल चार्ज कैरियर्स क्या है, nc प्लस nv, nc अपॉन ये n नीचे ले गए, प्लस nv अपॉन n इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी है कंडक्शन बैंड में, ये प्रोबेबिलिटी है वैलेंस बैंड में, दोनों का सम 1 है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडक्शन बैंड लिख सकते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी वैलेंस बैंड में लिख सकते हैं चार्ज कैरियर होल्स की। तो वो रख दिया, इनकी वैल्यू पीछे हमने इक्वेशन 1-2 भी बोल सकते हैं, वहां से पुट कर दी, ये है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया, ये वाली टर्म इधर आ गई, ये वाली टर्म इधर चली गई, और इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर राइट हैंड साइड में लेकर आए और सॉल्व करा। क्या किया मैंने आपसे, क्या कहा कि एक राइट हैंड में लेकर आएंगे, तो 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और e टू पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस e टू पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म्स आएंगी, पहली टर्म 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म ई टू पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर e टू पावर ev माइनस ef अपॉन kt को 1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर दोनों को, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ रही है, तो इसमें आप देखोगे ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 1 इधर लेकर आएंगे तो 1 रह जाएगा। तो 1 इक्वल टू e टू पावर ev प्लस ec माइनस 2 ef अपॉन kt टर्म आएगी। अब क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, है ना, लॉग लेंगे तो ये 1 का लॉग लेंगे जीरो हो जाएगा, और ई का लॉग लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ई वी प्लस ई सी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, के टी को इधर ले जाइए, जीरो हो जाएगा, तो ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ इक्वल टू 0। तो ई एफ इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाय 2। ये एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना था इंट्रिंसिक। थैंक यू एवरीवन।
कीप वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए कमेंट. थैंक यू.